अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार बॉटम पर डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। और मैंने ये सलवार को स्टिच कर लिया है और मैंने ये गोटे लेस लिए, इसे यूज़ करके मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी। मैंने इस लेस को बॉबिन में लगा लिया है। अब मैं इस पर मार्किंग करूँगी, मैं इस पर बैक साइड से मार्किंग करूँगी। इस पर मैं ये हाफ इंच के गैप से मार्किंग करूँगी। इस तरह मैं इस पूरे पैंच पे मार्किंग कर लूँगी। इस तरह मैंने इस पे मार्किंग कर ली है। अब मैं स्केल यूज़ करके इस पर स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी। मैंने इस पे लाइन भी बना ली है। अब मैं इस पे मार्किंग करूँगी। मैं इस पे हाफ इंच के गैप से इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। इस तरह मैं इस पूरे पैंच पे मार्किंग कर लूँगी। इस तरह की पैंच पे मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना लूँगी। इस तरीके से मैं इसकी दूसरी साइड पे बना लूँगी। इस तरह मैं इस पर सर्कल बना लूँगी। मैं इस पर डिज़ाइन बनाने के सर्कल बना रही हूँ। आप चाहते कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरह इस पूरे पे की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह मैंने इसे रख लिया है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। जिस शेप में मैंने इस पर मार्किंग करी, मैं उसी शेप में इस पर सिलाई लगाऊंगी। मैं इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए गोटा लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉटन थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं या आप जरी थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं इस डिज़ाइन को सलवार के बॉटम पे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे नेकलाइन पे बना सकते हैं, कमीज़ के दामन पे बना सकते हैं, स्लीव्स पे बना सकते हैं, या आप इस तरीके से दुपट्टे पे बॉर्डर भी बना सकते हैं। मैं इसे सीधा करके चेक कर लूँगी। इस तरह ये इसकी एक साइड का डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं इसकी दूसरी साइड पर डिज़ाइन बना लूँगी। इस साइड पे मैं उसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी जैसे मैंने पहले लगाई थी। अब मैं इसे सीधा करके चेक कर लूंगी। इस तरह इसकी दूसरी साइड पर भी डिज़ाइन बन चुका है। मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब मैं इसकी आउटलाइन करूँगी। इस तरह मैं इस पर थोड़े गैप से आउटलाइन कर लूँगी। इस तरह मैं इस पूरे पैंच पे डिज़ाइन बना लूँगी। इस तरह इसकी एक साइड की आउटलाइन हो चुकी है। अब मैं इसे चेक कर लूँगी। अब मैं इसकी दूसरी साइड की भी आउटलाइन कर लूँगी सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले आउटलाइन करी थी। मैं इसके आउटलाइन करने के लिए सिंगल लाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो डबल लाइन भी बना सकते हैं। इस तरह इसकी की दूसरी साइड की आउटलाइन भी हो चुकी है। इस
तरह सलवार बॉटम पर डिज़ाइन बन चुका है। मैंने ये इसकी साइड की फिटिंग की स्टाइल भी लगा ली है और मैंने इसी तरीके से सलवार के दूसरे पैंच पर डिज़ाइन बना लिया है। इस तरह की सलवार के दोनों पैंच पर डिज़ाइन बन चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।